नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने धान को जो कंप्लीट किया था, धान के बारे में कुछ बताया गया था और कुछ जो आपको बताया गया था कि आप नोट्स लेकर नोट्स से स्टडी करो, ताकि आपको, क्योंकि दोस्तों धान से रिलेटेड जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसको अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ तो दोस्तों इसका समथिंग एक घंटा का टाइम आपको देना पड़ता, क्योंकि दोस्तों धान का जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, इससे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए दोस्तों उस वीडियो में धान का कम से कम 5 या 6 मिनट में वीडियो में कुछ आधा कंप्लीट किया था, बाकी आधा आप लोग को बताया गया था कि आप लोग हमसे ऊपर जो स्क्रीन वाला नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट करके हमसे नोट्स लेके नोट्स से स्टडी करो, ताकि आपको एक घंटे का टाइम वेस्ट ना करना पड़े यूट्यूब में, और आराम से इस वीडियो को आराम से आप 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो घर बैठे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में गेहूं के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं कि गेहूं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पीएटी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों, वो जाएगा टिटिकम एस्टिवम, जिसे खाने वाला इसका वनस्पति नाम है जो टिटिकम एस्टिवम। आगे देखते हैं परिवार। तो दोस्तों गेहूं और धान का जो परिवार जो है एक ही है, ग्रेमिनी पोएसी। इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और भारत। गुणसूत्र, इसका संख्या गुणसूत्र 2n6 7 बराबर, मतलब दोस्तों 2 6 से 7, या फिर इसे 42 भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं गेहूं का वर्गीकरण किस टाइप का है। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पीडीएफ में स्टार बनाया गया है, इसका मतलब है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो खाया जाने वाला गेहूं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गेहूं का वर्गीकरण दिया गया, इसे आप देख सकते हैं। इसमें बात करते हैं कौन सा देश कौन सा प्रथम स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो दोस्तों पहला हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में जो भारत जो है प्रथम स्थान में है और चीन जो है द्वितीय स्थान पे। वही उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पे है, भारत जो दूसरा स्थान है। वही दोस्तों धान जैसा ही आपका पूरा, और उत्पादन में यूके जो है फर्स्ट स्थान पे है। आगे देखते हैं धान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि यहाँ से क्वेश्चन से यूपीएटी में काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज जो है गेहूं है। दूसरा है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन गेहूं का होता है। तीसरा देखते हैं गेहूं रबी ऋतु की फसल है, जिसकी बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े 15 दिन में की जाती है। आगे देखते हैं गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं को अनाजों के राजा कहा जाता है। आगे देखते हैं गेहूं भारत की दूसरी मुख्य अनाज वाली फसल है। सीरियल शब्द रोमन भाषा में सीरीजे से लिया गया है। आगे देखते हैं गेहूं में उपस्थित प्रोटीन ग्लूटेन है, जो कि 8 से 11% होती है, लगभग 11.5% से मिनिमम कहा जाता है। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइट कहलाता है। गेहूं का बीज कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के साथ अंतःशाष्ट के लिए प्रचलित फसल सरसों है, मतलब दोस्तों गेहूं के साथ और एक फसल बोने के लिए सरसों को लाया उपयुक्त फसल है। आगे देखते हैं गेहूं एवं सरसों की पंक्तियों का अनुपात 9:1 होता है। आगे देखते हैं गेहूं का परीक्षण भार जो है 40 से 42 ग्राम होता है, जबकि गेहूसा का परीक्षण भार 2 ग्राम होता देखा गया। बोना गेहूं जो सर्वप्रथम कहां दिखाया गया, तो इसका राइट आंसर है जापान। आगे देखते हैं गेहूं के बोनेपन के लिए जवाबदार जीन नरेंद्र जो है इसके उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं गेहूं की बोनी किस्म का विकास डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1963 में किया था। आगे देखते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति के लेसन 1970 में नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं लार्मा रोजो सुनारा 63, सुनारा 64, मायो 64 किस्म जो है ये दोस्तों, ये जो किस्म है ये धान की, सॉरी दोस्तों ये जो किस्म है ये किस्म गेहूं की किस्म है, और ये किस्म मैक्सिको में तैयार हुई थी। आगे देखते हैं विश्व में हरित क्रांति की सफलता के लिए गेहूं और धान का योगदान है। 19 देखते हैं भारत में हरित क्रांति की सफलता के लिए गेहूं का योगदान है। 20 देखते हैं, आगे देखते हैं भारत में गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता। तो दोस्तों इस ये जो चार्ट है इसे आप आराम से देख सकते हैं। इसका जो उत्तर प्रदेश हमारा भारत में प्रथम स्थान पर है, दूसरा मध्य प्रदेश, उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश प्रथम है, और दूसरा पंजाब में, मतलब दोस्तों ये क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में हमारा उत्तर प्रदेश पहला में है। तो दोस्तों अक्सर जो है से ये पेटे में जो प्रथम का ही पूछा जाता है, द्वितीय का उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम उत्पादक तो कौन सा राज्य का है। तो ऐसे में दोस्तों आप पहला उत्तर प्रदेश को याद रखो तो आपको दोनों याद हो जाएगा, क्षेत्रफल और उत्पादन। और उत्पादकता जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सिंचित क्षेत्र है, उत्पादकता पंजाब में 92% है। आगे देखते हैं गुणसूत्र की संख्या के आधार पर गेहूं का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं धान में कितना सिंचाई की आवश्यकता है। तो दोस्तों धान में जो है संभवतः 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो हमारा पहला सिंचाई जो CRI स्टेज बुआई के 21 दिन बाद आती है, इसे क्राउन रूट एनिशियन एक क्राउन जरे निकलते समय भी कहते हैं। इस अवस्था में पानी नहीं देने से उत्पादन का नुकसान हो जाता है। दोस्तों इस स्टेज में 21 दिन में पानी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा पहला तो हो गया CRI स्टेज हो गया, तो दोस्तों पहला CRI स्टेज हो गया। दूसरा दोस्तों टिलिंग स्टेज के लिए फुटते समय, तो दोस्तों ये अवस्था 40 दिन बाद आता है। और तीसरा स्टेज जो गाढ़ बनते समय, जिसे 60 दिन बाद ये अवस्था आता है। और चौथा जो है
पुष्पन अवस्था ये 80 दिन बाद आता है, और पांचवा जो है दूध अवस्था जो कि 100 दिन बाद आता है, और छठवा जो दाना पकते समय 120 दिन बाद ये अवस्था आती है। तो दोस्तों इन टाइम से सिंचाई देना मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी रहता है। आगे देखते हैं गेहूं का कुछ बीज दे। तो दोस्त डिबलिंग विधि से 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर और समय पर छिड़काव बुआई जो कहते हैं जिसे नाली नाली में दिया जाता है कुंड बना के उसमें 100 केजी हेक्टेयर लग जाता है, और देरी से बुआई करने पर 125 केजी हेक्टेयर लग जाता है। बुआई का समय 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच उपयुक्त रहता है। अगर देखते हैं बुआई की विधि है, तो दोस्तों बुआई की विधि 2-3-4-5 विधि है। दोस्तों डिबलिंग से ड्रिल विधि, हाथों से बिखेर कर हल्के पीछे केरा विधि, पूरा विधि, डिबलिंग विधि, और दोस्तों पांचवा जो है FIRB विधि। तो दोस्तों इस टाइप का विधि भी कभी कभी पूछ दिया जाते हैं, बहुत ही कम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो है कभी कभी दोस्तों ये सब भी पूछ दिया जाता है। दोस्तों गेहूं का कुछ खरपतवार देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों ये नाइट्रोजन अनुपात इसे भी आप देख सकते हैं, इसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं का कुछ प्रमुख खरपतवार, जिसे पहला जो है गेहूसा कहा जाता है, दूसरा जंगली जई, हिरनखुरी, भतुआ जो है गेहूं का खरपतवार है। इसके रोकथाम के लिए आइसोप्रोटाम, सल्फ्योर, पोलीडोफोस, 2-4 चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2-4D हो गया है, बुआई के 30 से 35 दिन बाद उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों कुछ उन्नत किस्में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सोनाली का किसका किस्म है। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं का किस्म है सुजाता, किसका किस्म है कल्याण सोना, सोनारा 64, इस टाइप का किस्म। दोस्तों आपको मौजवानी हमेशा याद रहना चाहिए, आपको ये PAT 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये गेहूं का किस्म है। दोस्तों इस टाइप के किस्म को भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं काला गेहूं है, जो कि गेहूं की बीमारी है, इसका जो रोकथाम इधर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों रोकथाम बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि दवाई का नाम जो है आपको BSc एग्रीकल्चर में कॉलेज में आपको याद करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे कुछ छोटा मोटा रोग के बारे में आपसे CGPAT में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। बाकी गेहूं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे हम देख लेते हैं। गेहूं के दाने में जिंग जैगर संरचना को रेचिस कहते हैं, मानव निर्मित अनाज टेटिकल, सर्वप्रथम टेटिकल की रेपो नामक वैज्ञानिक ने स्वीडन में बना। आगे देखते हैं दोस्तों पांचवा नंबर टेटिकल की किस्म TD46 है। छठवां नंबर देखते हैं गेहूं की कटाई के समय 25-30% नमी होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूं की कटाई के समय कितना नमी होना चाहिए, तो 25-30%। सातवां देखते हैं गेहूं के भंडारण के समय 10-15% नमी होना चाहिए। आठवां देखते हैं गेहूं की निर्यात गुणवत्ता करनाल वंट से कम हो जाती है। नौवां देखते हैं गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक जो वेक्टर है। दसवां देखते हैं गेहूं में आपत्तिजनक खरपतवार हिरनखुरी है। ग्यारह नंबर देखते हैं गेहूं में अब्सोल्ट विक का नाम भथुआ है। मध्य प्रदेश में गेहूं का क्षेत्रीय अनुसंधान पवाड़ खोड़ा होशंगाबाद में। आगे देखते हैं दोस्तों गेहूं में अंकुरण के समय तापमान जो है 20-25 डिग्री होना चाहिए। गेहूं में हाइब्रिड बीज का उत्पन्न करने की तकनीकी गुजो विधि नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस टाइप का हमारा गेहूं का जो है टॉपिक खत्म हुआ। दोस्तों इसी टाइप का नोट्स PDF लेने के लिए ऊपर जो स्क्रीन पर हमारा नंबर है हमसे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AgriVishwas पर।